हेलो वीवर्स एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम हकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसमें अब इंटरमीडिएट से लेकर यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ का ख़र्चा भी हकूमत उठाएगी लेकिन इसके बाद एक सवाल आता है कि हकूमत ने कुछ एक सर्कल रख दिया है इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया है यानी कि अगर जो बच्चे इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरती हैं वो एहसास प्रोग्राम की स्कॉलरशिप से फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते आइए जानती हैं मुकमल तफ़ीलत नंबर वन पे वो स्टूडेंट्स जो कि पहले से ही किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा हैं और अपने कॉलेज स्कूल में स्कॉलरशिप पे ही स्टडीज़ हासिल कर रहे हैं वो इसके लिए नाअल हैं दूसरे नंबर पर वो बच्चे जो कि एक सिटी से किसी अदर सिटी मूव हुए हैं अपनी स्टडीज़ के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं वो बच्चे भी एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते यानी कि आप जिस शहर में हैं आपको उसी शहर के किसी कॉलेज में दाखिला लेना होगा एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने का तीसरे नंबर पर वो बच्चे जो सेल्फ इंडि पेंडेट हैं यानी कि जॉब होल्डर हैं अपनी स्टडीज का खर्चा खुद उठाती हैं और साथ ही साथ आपको पता है कुछ यूनिवर्सिटीज में इवनिंग शिफ्ट में रिलीफ दिया जाता है फ़ीस में और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं वो भी ये सास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते नंबर फोर पर वो बच्चे जो कि अभी फोर्थ सेमेस्टर उनका कंटिन्यू है या फाइव सेमेस्टर कंटिन्यू है और उनको अभी पता चला कि सास स्कॉलरशिप प्रोग्राम आया है और वो उसमें अप्लाई करते हैं तो वो भी इसके लिए ना अहल हैं यानी कि आपको स्टार्टिंग से ही जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है आपको फ़ौरी तौर पर एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना पड़ेगा मिड में आप इससे फायदा हासिल नहीं कर सकते नंबर फाइव और लास्ट पे वो बच्चे जो कि दो साल किसी प्रोग्राम में ऐड है यानी कि बीए ए बी या किसी भी तरह का टू इयर्स का डिप्लोमा कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनकी सारी एजुकेशन का खर्चा हुकूमत उठाती है एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे वो स्टडीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं तो ये भी हुकूमत ने नाअहल करार दे दिया है तो देखेंगे सेवेंटी फ़ाइव परसेंट चीज़ें ऐसी हैं जो कि तमाम बच्चों में रिजेंबलेंस आ जाती है रेलिवेंसी आ जाती है तो इसका क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है बहुत सारे बच्चे इस क्राइटेरिया से फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते लेकिन अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ये हुकूमत के फैसले हैं वो जाने उनका काम जाने थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और जाते जाते मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह अल्लाफि